अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोगों को ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। फ्रेंड्स, आज हम कैनोपी बनाएंगे बच्चों के लिए, मतलब टेंट बनाएंगे बच्चों के लिए, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए, यहाँ मेरे यहाँ मैट्रेस है, हम यहीं अरेंज करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक साड़ी। ये देखिए, इस साड़ी को आप बीच से बिल्कुल सेंटर में एक डोर बांध दीजिए। डोर बांधने के बाद इसको दीवार से टांग देंगे हम लोग। चलिए मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बीच में डोर बांध दिया है और इसको हम यहाँ मेख पर टांग देंगे। इसको ये देखिए, टांगने के बाद इस तरह साड़ी के दो पल्लू आप मैट्रेस के नीचे अटका दीजिए। और मैंने यहाँ एक प्लांट रखा है ताकि इसकी खूबसूरती और बढ़े। और हमें फेरी लाइट चाहिए इसको डेकोरेट करने के लिए। और पिलोस, और मैंने यहाँ एक मैट डाला है सामने, मैट्रेस के सामने। और आप कोई टी पाई रख लीजिए, मेरे पास ये स्टैंड है तो मैंने इसके ऊपर ही अरेंज किया है। आप इस पर इंडोर प्लांट्स रखिए, बच्चों के खिलौने, स्टोरी बुक्स रखिए, ताकि बच्चे यहाँ बैठकर एंजॉय करें। बच्चे यहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं, सो सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मैंने फेरी लाइट्स अरेंज करे हैं यहाँ, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है। देखते हैं, रात में भी और भी बहुत खूबसूरत लगता है। आप बच्चों के लिए ये ज़रूर बनाइए, उन्हें बहुत पसंद आएगा, उन्हें सरप्राइज दीजिए बना के। ये देखिए, रात में ये कैसा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। आप अपने बच्चों के लिए ये ज़रूर अरेंज कीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगा। यहाँ बैठ के वो बहुत एंजॉय कर सकते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं, सो सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।